बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें वांद्रे वेस्ट से आसिफ जकारिया को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, इसमें मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। निग्राम से माणिकराव ठाकरे को टिकट कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें खामगांव से राणा सनादा को टिकट दिया गया है कांग्रेस द्वारा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को टिकट मिला है, तो वहीं कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकर को टिकट मिला है। ये कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है उम्मीदवारों की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तीसरी जारी सूची में ये नाम सामने आए हैं। ये नाम तीसरी सूची में कई नाम सामने आए हैं, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें गढ़चिरौली से मनोहर तुलसी राम को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की है, जिसमें गढ़चिरौली से मनोहर तुलसी राम को टिकट मिला है। वहीं अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बांद्रे वेस्ट से आसिफ जकारिया को टिकट मिला है, और तो वहीं मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को टिकट मिला है। वहीं दिग्राम से माणिकराव ठाकरे, खामगांव से राणा सनादा, सांगली से पृथ्वीराज पाटिल और कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है महाराष्ट्र में। इस सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकर, सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को टिकट मिला है।